खबर टोंक जिले से है, जहां चुनावी घमासान के बीच सियासी पारा पूरे उफान में है। बता दें कि नेताओं के बीच चल रहे आरोप और प्रत्यारोप को लेकर जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। बात की जाए टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की, तो यहां पर चुनाव से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी सुखवीर सिंह जौनापुरिया को हिस्ट्री शीटर बताते हुए उन पर कई आरोप लगाए। वहीं सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भी हरीश चंद्र मीणा के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। बता दें कि सांसद जौनापुरिया ने प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि देवली उनियारा का विधायक रहते उन्होंने बजरी में जमकर लूट मचाई। टोंक से कचोट गुर्जर की रिपोर्ट। देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का मैं जवाब नहीं जाना चाहता। आप भी मान के चलो, मैं सांसद हूँ 10 साल से, पहली बार तो आए नहीं। मैंने पिछली बार भी अपडेट भरा था, अभी भी अपडेट भरूंगा, मेरे को केस ही नहीं है। तो आप मान के चलो, जब आदमी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा है, एफिडेविट भर रहा है, एफिडेविट में कोई केस नहीं दिखा रहा, तो अगर मेरे पीछे केस है तो उसे उजागर कर देना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव का टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा की आज टोंक जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक है, और बैठक इस बात की है कि प्रत्याशी हमारा घोषित हो चुके हैं सम्मानित सुखबीर सिंह जौनप्रिया जी, जिन्हें टिकट में भी हैट्रिक बनाई है, जीत में भी हैट्रिक बनाएंगे, और प्रदेश में 25 की भी हैट्रिक बनने जा रही है, और देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। 2 तारीख के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयारी की आज बैठक थी, आज जिले की बैठक टोंक जिले में निश्चित है 2 तारीख का नामांकन की रैली ऐतिहासिक होगी, और पिछली बार की 2019 की नामांकन की रैली से बड़ी रैली का आयोजन इस टोंक की धरती पर गई है। निश्चित 10 वर्षों से देश के अंदर गरीब कल्याण की सरकार काम कर रही है,